हेलो स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कशन किया। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप आगे अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो देखिए, फैराडे और जोसेफ हेनरी, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए और उन कंक्लूजन के बेसिस पर उन्होंने क्या किया, हमें कुछ लॉज दी, ठीक है। सो फर्स्ट जो फैराडे की लॉ है तो वो क्या है कि वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन an EMF and hence current is induced in circuit, ठीक है। It lasts so long as change in magnetic flux continues. तो बच्चों, पहली जो लॉ है, फर्स्ट जो लॉ है फैराडे की, वो हमें ये बताती है कि किसी भी कॉइल के अंदर या किसी क्लोज सर्किट के अंदर ईएमएफ या फिर करंट क्यों इंड्यूस होता है। तो देखिए, वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जब भी किसी क्लोज सर्किट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ में वेरी करता है, चेंज होता है टाइम के साथ, देन तो उस सर्किट के अंदर क्या होता है, ईएमएफ या फिर आप कह सकते हैं करंट, ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है। तो जब भी किसी क्लोज सर्किट के लिए या किसी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ में वेरी करेगा तो उस सर्किट के अंदर ईएमएफ और करंट इंड्यूस होंगे, और इट लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। तो ये तब तक रहेगा, ये करंट तब तक रहेगा, ये ईएमएफ तब तक रहेगी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो जो फैराडे की लॉ है उसका फर्स्ट पार्ट तो हमें किसके बारे में बताता है, फर्स्ट पार्ट हमें बताता है कि भाई ईएमएफ या करंट इंड्यूस ही क्यों होगा। तो अगर मैं पिछले लेक्चर से इसको रिलेट करके आपको बताऊं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर है वो अनअवॉइडेबल रीजन शायद कुछ रहे हों, किसी वजह से टेक्निकल इश्यूज थे ऐसे, जिसकी वजह से वो लेक्चर जो है वो मेरे ख्याल से 13-14 मिनट के बाद से फ्रीज हो गया था। तो इसमें मैं एक बार जल्दी से आपको जो डिस्कशन है, ठीक है, उसका कंक्लूजन एक बार आपके साथ में शेयर करूँगा ताकि आप आगे समझ पाएँ। तो यहाँ पर ये हमने एक कॉइल रखी थी, ठीक है, क्लोज सर्किट है ये एक तरह से, और ये गैल्वेनोमीटर है, और हेयर इज़ मैग्नेट, हेयर इट इज़ बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट को जब तक हम कॉइल के विद रिस्पेक्ट मूव कराते हैं, जब तक ये मैग्नेट कॉइल के विद रिस्पेक्ट मूव करती है, तब तक इस कॉइल का, इस क्लोज सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ में वेरी करता है, चेंज होता है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड मैग्नेट अगर आप दिखाएंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, इनसाइड द मैग्नेट
अगर बात करें तो साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड की बात करें तो नॉर्थ से साउथ। आउटसाइड की बात करें तो नॉर्थ से साउथ ऐसे, और इनसाइड की अगर हम बात करें तो साउथ से नॉर्थ ऐसे, ठीक है। और भी काफ़ी सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी ड्रॉ की जा सकती हैं, तो हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आपको आती हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने कुछ ड्रॉ कर दी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इनसाइड देखिए साउथ से नॉर्थ, ठीक है, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ ऐसे। अब बच्चों जब हम इस मैग्नेट को इस क्वाइल के विद रिस्पेक्ट मूव कराएंगे, ये क्वाइल है और ये मैग्नेट है, तो जब हम इस मैग्नेट को क्वाइल के विद रिस्पेक्ट मूव कराएंगे तो इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी टाइम के साथ, यानी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इंडिकेट करेगा, यानी कि इस सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस हुआ है। तो जब तक किसी क्लोज सर्किट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होगा, अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन बंद हुआ, यानी कि ये जो मैग्नेट है क्वाइल के विद रिस्पेक्ट रेस्ट में आ गई, आपने मूव कराया और मैग्नेट क्वाइल के विद रिस्पेक्ट रेस्ट में आ गई, यानी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर करंट भी इंड्यूस नहीं होगा, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो हमें ये पता लगी कि भाई किसी भी सर्किट में करंट इंड्यूस होता ही क्यों है, ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये बोलना मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल है ये करेक्ट नहीं है बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज रिस्पॉन्सिबल है टाइम के साथ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज हुआ है टाइम के साथ उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है या EMF इंड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मुझे यहाँ जो डिस्कस करना है आपके साथ में वो ये है बच्चों कि कितनी EMF यहाँ पर इंड्यूस होगी। तो फैराडे की ला के दो पार्ट्स बनाए गए हैं, सो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, और सेकंड पार्ट जो है वो आपको ये बताएगा कि यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होती है वो अमाउंट में कितनी होती है, कितनी EMF इंड्यूस होती है। तो एक्सपेरिमेंट पता है क्या शो करता है, एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जब आप इस मैग्नेट को स्लो रेट से मूव कराते हैं, धीरे धीरे इसकी तरफ लेकर जाते हैं कॉइल की तरफ, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज तो होगा, बट जो पर सेकंड चेंज आया फ्लक्स में वो कम होगा। धीरे धीरे अगर आप मैग्नेट को मूव कराएंगे कॉइल की तरफ तो पर सेकंड फ्लक्स में कम चेंज होगा। दैट इज़ वाई इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की है वो कम होती है, यानी कि इसमें कम करंट इंड्यूस होता है। लेकिन अगर आप उसी मैग्नेट को और कॉइल के विद रिस्पेक्ट रैपिड रेट से एकदम सडनली झटके से एकदम मूव कराएंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा, तो पर सेकंड अब जो फ्लक्स में चेंज होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है कि गैल्वेनोमीटर उस केस में ज़्यादा डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है, यानी कि इसमें ज़्यादा करंट इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर सेकंड जो ला है वो हमें इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड बताती है, कितना इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड होगा। ला के अकॉर्डिंग द इंड्यूस्ड EMF, द इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Linked with a coil या linked with a closed circuit. Induced EMF, देखिए EMF जो वर्ड यूज़ किया उन्होंने, देखो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इंडिकेट करेगा और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन का मीनिंग ये होगा कि इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हुआ है। बट बच्चों करंट इंड्यूस होने के लिए इस सर्किट में करंट होने के लिए डेफिनेटली इस सर्किट में कुछ वोल्टेज तो होगी, है ना, कुछ वोल्टेज कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा।
तो यहाँ पर उस वोल्टेज के लिए, उस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वर्ड यूज़ किया गया है EMF। हाँ, ये बात सही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो टर्मिनल वोल्टेज होती है और जो EMF होती है, दे आर डिफरेंट। यस, दे आर डिफरेंट अगर आप कंपेरिजन करते हैं एक सेल के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉइल के लिए अगर हम बात करें, तो हम रफली बोल सकते हैं कि इस कॉइल के अंदर, इस सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस हुआ, तो करंट का सोर्स क्या है? करंट अगर इंड्यूस हुआ है यहाँ पर, तो करंट इंड्यूस हुआ इट मींस यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर कुछ EMF है। तो उस वोल्टेज के लिए वर्ड यूज़ किया गया है EMF। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये सर्किट ओपन होता, ठीक है बच्चों, अगर ये सर्किट ओपन होता, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर ये देखिए आप, सिचुएशन ये है कि ये मेरे पास में एक कॉइल तो है लेकिन ओपन है। ओपन का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि, ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर ये कॉइल है बट यहाँ से ब्रेक हुई है, ठीक है, क्लोज नहीं है। और इसके लिए आपसे बोला जाए, इसके लिए आपसे कहा जाए कि अगर हम मैग्नेट को मूव कराते हैं इस कॉइल की तरफ, ठीक है, कॉइल की तरफ मूव कराते हैं, तो क्या इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा? तो हमारा स्ट्रेट आंसर होगा नो, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। बट हाँ, इसके अंदर EMF ज़रूर इंड्यूस होगी। इसका फ्लक्स चेंज होगा जब आप मैग्नेट को मूव कराएंगे, तो डेफिनेटली इसका जो फ्लक्स है, इससे गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो चेंज होंगी। तो इसमें EMF इंड्यूस होगी, बट करंट इंड्यूस होने के लिए, करंट बनने के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए, जो कि यहाँ ओपन है। तो इसमें EMF होगी, यानी वोल्टेज होगी, बट अगर सर्किट क्लोज होता तो करंट बनने पाता, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया आपको। ठीक है, अब बात हो रही थी इंड्यूस्ड EMF की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मीनिंग समझिए, पर सेकंड जो फ्लक्स में चेंज होता है, पर सेकंड जो फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कहा गया है, ठीक है। अब इंड्यूस्ड EMF या जो करंट है, ठीक है, ये हम दो कैटेगरी के अंदर स्टडी करेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प मिल सके। तो समझिए, सबसे पहली बात तो क्या है, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इंड्यूस्ड EMF के लिए हम सिंबल बना रहे हैं स्मॉली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम शो कर रहे हैं d∅b/dt से। फाई बी किसका सिंबल है? मैग्नेटिक फ्लक्स का, और d/dt यानी फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे, यहाँ इक्वेशन बनाएंगे उसके लिए, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पर यूज होता है 1, तो वी कैन राइट d∅b/dt। ओके, अब आपको दो बातें यहाँ से समझनी है। फर्स्ट, यहाँ से आपको जो मिला वो इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड है। इंड्यूस्ड EMF का यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, आई विल राइट इट दिस वे। अगर आप ये d∅b/dt का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे, ये इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए अपने पास में अलग से रूल है, ला है इनफैक्ट वो, ठीक है, तो उसकी हेल्प लेंगे हम। बट इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सो d∅b/dt का मैग्नीट्यूड लीजिए आप, यहाँ ये मैग्नीट्यूड मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि बच्चों, ये जो EMF है, दिस इज़ इंस्टेंटेनियस EMF। दिस EMF इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस EMF, क्योंकि यहाँ पर d∅b/dt आया हुआ है, ठीक है। सो जैसे कि आपने 11th क्लास में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी होगी, ये कुछ उस तरह की बात है। तो ये इंस्टेंटेनियस EMF है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो EMF इंड्यूस हुई है सर्किट के अंदर, ये वो है। अच्छा, अगर आपको एवरेज EMF चाहिए, तो एवरेज EMF के लिए हम क्या रखेंगे? इंड्यूस्ड EMF है लेकिन हमें एवरेज चाहिए, तो उस केस में कैसे लिखेंगे उसको? उस केस में उसको शो करेंगे d∅b/δt, d∅b/δt। तो यहाँ पर हमने डेल्टा का यूज़ किया है, तो डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट चेंज को, डेल्टा शो करता है फाइनाइट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये टाइम इंटरवल होता है। तो दिस इज एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन सर्किट, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, सो दिस विल बी मैग्नीट्यूड। क्लियर? अभी मैं ऐसा करता हूँ, आपको
एक प्रॉब्लम बताता हूँ जिसके बेसिस पर इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और एवरेज ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अभी इतनी जगह तो नहीं होगी, नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इस कंसेप्ट पर एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेकर मैं आपको बात समझाता हूँ। देखिए, फ्लक्स की वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम उन्होंने गिवन है, दिया हुआ है। कोई वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं आप यहाँ पर, लेट 2t स्क्वायर और प्लस 3t माइनस 1, ऐसे समझ लीजिए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, ठीक है। अब हमसे उन्होंने ये कहा फर्स्ट केस में, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हुई है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ईएमएफ जो किसी क्वाइल के अंदर इंड्यूस हुई वो बताइए। किसी क्वाइल का फ्लक्स जो है वो टाइम पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है और फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ। डेफिनेटली टी अगर वेरी करेगा फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स अगर टाइम के साथ में वेरी कर रहा है तो उस पर्टिकुलर क्वाइल में कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है ये बताना है आपको। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको, डी फाई बी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। तो ये अपने पास में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आएगी, इंस्टेंटेनियस मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो ईएमएफ है वो आएगी। सो डी बाई डी टी ऑफ फाइव बी, तो फाइव बी की वैल्यू कितनी है यहाँ, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर आएगा 4t, दिस विल बी 4t। यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना आपको आता ही है, प्लस 3 एंड प्लस 0, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आई 4t प्लस 3। अब किस इंस्टेंट पर चाहिए आपको t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड तो t की वैल्यू यहाँ 1 रख दीजिए। t की वैल्यू जब आप यहाँ 1 रखेंगे, t की वैल्यू यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 4 × 1 + 3 यू विल गेट 7 वोल्ट। तो ये तो है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है। अच्छा, इसी प्रॉब्लम के अंदर वो हमसे ये पूछता, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन क्वाइल बिटवीन टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक का जो टाइम इंटरवल है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक का जो टाइम इंटरवल है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो बताइए। तो यहाँ कुछ टाइम इंटरवल गिवन है तो इसमें आपको एवरेज ईएमएफ फाइंड करनी होगी। तो एवरेज ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने आपको बताया था। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए आपको डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी से फाइंड एवरेज चेंज लेते हैं इसमें। सो डेल्टा फाई बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये टाइम इंटरवल है। तो कितना टाइम इंटरवल, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड से 2, तो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर फ्लक्स पता कर लीजिए, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर फ्लक्स पता कर लीजिए। तो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर फ्लक्स फाइंड करें तो फाई बी हमें जो गिवन था वो फाई बी की वैल्यू हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 है। तो फ्लक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे पहले t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पर अगर फ्लक्स फाइंड करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू फाइनली जो आएगी आपके पास, तो t की वैल्यू यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ पर 2 रख देंगे, तो 2 × ये तो 2 था, t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा यहाँ प्लस 3, और t की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे और माइनस 1, क्लियर। सो 4 × 8 प्लस यहाँ 6 होगा, ठीक है, ये 6 होगा और माइनस 1, तो ये कितना हुआ 13 वेबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनिशियल फ्लक्स, तो एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पर फ्लक्स बताइए, तो फाइनल फ्लक्स था ये, इनिशियल फ्लक्स था, तो यहाँ टी की वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, तो 2 ×
वन का स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू वन माइनस वन, तो टू प्लस थ्री और माइनस वन। तो ये इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, यहाँ पर ये हो गई फोर, टू प्लस थ्री माइनस वन फोर वेबर, ठीक है डब्लू बी। ठीक, तो फ्लक्स में चेंज पता कर लिया आपने, t इक्वल्स टू वन सेकेंड से टू सेकेंड तक जो फ्लक्स का चेंज हुआ वो फाइंड कर लिया आपने। अब EMF जो फाइंड करेंगे आप, एवरेज EMF जो आएगी यहाँ से वो कितनी आएगी बच्चों, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज कैसे लेंगे, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये तो हो गया है चेंज डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है 13 और माइनस इनिशियल 4, ठीक है वेबर। अगर ये नेगेटिव आता माइनस 4 तो आपको यहाँ माइनस 4 ही रखना था, ठीक है डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल फाइनल टाइम इंस्टेंट है 2, इनिशियल टाइम इंस्टेंट है 1, तो टाइम इंटरवल 2 माइनस 1। सो एवरेज EMF जो इंड्यूस हुई है यहाँ 13 माइनस 4 9, ये सेकंड है नीचे 9 वेबर, 2 माइनस 1 1 सेकंड, तो वेबर पर सेकंड वोल्ट, सो 9 वोल्ट। ठीक है, तो ये एवरेज EMF है, हालांकि न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा आपको, बट स्टिल एवरेज EMF जो इंड्यूस होगी उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा, डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी। ये एवरेज EMF इंड्यूस हुई है बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, ऐसे मतलब कोई टाइम इंटरवल गिवन होगा उसमें, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर वो पूछेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस EMF फाइंड करनी है डेल्टा डीबी बाई डी टी यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गया, या तो ऐसे फाइंड करेंगे या फिर इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। लेकिन डायरेक्शन के लिए एक ला है वो हमें स्टडी करनी है, और ला को डिस्कस करते हैं। देखिए तो बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब लेंजेस लॉ जो है वो किस बारे में बताएगी हमें, तो वो बताती हमें, इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट। इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बोल लेते हैं हम यहाँ पर, इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट। ठीक है, तो लॉ की स्टेटमेंट क्या है, तो लॉ की स्टेटमेंट है द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट, इंड्यूस्ड करंट लिख लेते हैं, अगर करंट लिया तो हमने इंड्यूस्ड करंट इन ए क्लोज सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी क्या हुआ इस बात का मीनिंग, किसी भी क्लोज सर्किट में जब करंट इंड्यूस होगा, किसी भी क्लोज सर्किट में जब करंट इंड्यूस होगा, कब होगा, पहली बात तो करंट इंड्यूस तब होगा जब उस पर्टिकुलर क्वाइल का, सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो अगर किसी सर्किट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, लेकिन इंड्यूस्ड करंट हमेशा हमेशा ऐसी पोलरिटी में होगा, ऐसी सेंस में होगा टू अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कि वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करे, हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के
चेंज का अपोज करे, यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो उसको डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज हुआ तो उसको इंक्रीज करेगा। तो मैं ये जो लॉ है इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो एक्सप्लेनेशन समझिए आप। एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए, एक्सप्लेनेशन ये है कि ये क्वाइल थी, ऐसे शो कर लेते हैं, ये क्वाइल है, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये है मैग्नेट, ठीक। अब समझना इसको, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ। मैग्नेट मूव करती है क्वाइल की तरफ, ठीक है, मैग्नेट मूव करती है क्वाइल की तरफ। अच्छा एक बात बताइए आप, जब ये मैग्नेट क्वाइल की तरफ मूव करेगी तो क्वाइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? तो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट ये बताया जा सकता है कि इस क्वाइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेट क्वाइल की तरफ जा रही है, क्लियर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका क्या हुआ है, इंक्रीज। तो सबसे पहली बात, मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स क्वाइल, मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स क्वाइल। मैग्नेट के क्वाइल की तरफ मूव करने से क्या हुआ, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ क्वाइल लिंक्ड विद क्वाइल लिखना चाहिए वैसे तो, क्वाइल इंक्रीज हुआ। तो चेंज हुआ ना भाई, इंक्रीज हुआ या चेंज हुआ, चेंज तो हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा, इस क्वाइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट, या फिर कहें करंट इज इंड्यूस्ड इन क्वाइल। अब ला कहती है कि करंट ऐसी सेंस में इंड्यूस होगा कि वो हमेशा फ्लक्स के चेंज का अपोज करे। अब फ्लक्स के चेंज का अपोज करने का मतलब क्या हुआ भाई, मैग्नेट क्वाइल की तरफ मूव कर रही है तो इसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें करंट ऐसी सेंस में आएगा कि फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस फ्लक्स को डिक्रीज करे। तो करंट विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन टू अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। तो अब ये अगर मैग्नेट क्वाइल की तरफ जा रही है, इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसमें करंट ऐसी सेंस में आएगा कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करे। अब ये डिक्रीज फ्लक्स हो कब सकता है, जब तक ये मैग्नेट क्लोज जाएगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो मेनली इस मैग्नेट को क्या करना है, इसको दूर भेजना है। दूर भेजने से क्या होगा, मतलब कोशिश करनी है ये दूर जाए, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि मैग्नेट अगर दूर जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स डिक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेट दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास होंगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो अब समझिए बात को ध्यान से, यहाँ जो ऑब्जर्वर है मैग्नेट की तरफ, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इस फेस में अगर ये क्वाइल ऐसे रखी हुई है इधर मेरी पाम की तरफ, ये जो फेस हुआ पाम की तरफ इधर, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्यों होगा ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्यों इंड्यूस होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस होगा अगर, तो ये जो फेस है, अगर आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, तो ये जो फेस है ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह से, पीछे की तरफ साउथ पोल होगा, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैग्नेट जब तक क्लोज जाएगी तब तक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो करंट क्या चाहेगा, फ्लक्स को डिक्रीज करना, डिक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, दूर भेजने की कोशिश करेगा। इसको दूर कब भेजा जा सकता है या रिपेल कब किया जा सकता है, जब यहाँ नॉर्थ पोल हो, और नॉर्थ पोल डेवलप कब होता है, जब कैसा करंट हो, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा से देखिए, बट अब की बार केस अलग है। दूसरा केस क्या है देखिए,
ये कॉइल, ये मैग्नेट, ठीक है, सॉरी साउथ और ये नॉर्थ। मैग्नेट मूव कर रही है कॉइल से अवे। इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेट जो है वो कॉइल से अवे मूव कर रही है। थिंक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपको पता ही है, नॉर्थ से निकलेंगे ऐसे साउथ पर जाएंगे आउटसाइड द मैग्नेट के लिए अगर हम बात करें, ठीक है। बट एक पॉइंट क्लियर है कि जब मैग्नेट दूर जाएगी, ठीक है, तो इससे इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा यहाँ, आप समझ जाएंगे। मैग्नेट अगर दूर जाएगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। चेंज तो हुआ भाई, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, चेंज तो हुआ, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इसका चेंज हुआ तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब लॉ कहती है कि करंट ऐसी सेंस में इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स के चेंज का अपोज करे। मैग्नेट के दूर जाने से फ्लक्स क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो करंट ऐसी सेंस में आएगा कि फ्लक्स को क्या करें, इंक्रीज करे। अब फ्लक्स इंक्रीज हो कैसे सकता है, फ्लक्स इंक्रीज हो सकता है अगर ये मैग्नेट, इस मैग्नेट को किसी तरह अट्रैक्ट किया जा सके, यानी मैग्नेट अगर क्लोज जाने की टेंडेंसी रखे तब फ्लक्स इंक्रीज हो सकता है। तो सोचिए यहाँ जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैग्नेट दूर जा रही है, मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है, तो इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने की वजह से, फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से या करंट इंड्यूस होगा, और करंट ऐसी सेंस में इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स के चेंज का अपोज करे। अब फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है मैग्नेट के दूर जाने से, तो करंट ऐसी सेंस में इंड्यूस होगा कि फ्लक्स इंक्रीज हो। अब इंक्रीज कब हो सकता है, जब इस मैग्नेट को कोई अट्रैक्ट करे। अब इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कौन करेगा, इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल, तो इस जगह पर साउथ पोल डेवलप होना चाहिए। तो जो राइट साइड में ऑब्जर्वर है, इधर जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो करना चाहिए क्लॉकवाइज सेंस में, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करेगा तो ही हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगा, ठीक है। तो आई होप एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुई है। अब आप डायरेक्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेंजेज लॉ को और क्लियर करने के लिए ले रहा हूँ। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स लेंजेज लॉ से जो रिलेटेड है वो डिस्कस करते हैं, ताकि उसमें और क्लियरिटी लेकर आई जा सके। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और नोटबुक के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। नोटबुक के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखिए, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि क्लोज लूप है ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में इस तरह से, और ये जो क्लोज लूप है ट्रायंगल की फॉर्म में, ये इसमें एंटर करती है, इस तरह से एंटर करती है, ये देखिए, ये इसमें एंटर करती है। तो इसमें हमें करंट की सेंस बतानी है कि इसमें करंट किस सेंस में इंड्यूस होगा, ठीक है, करंट इसमें किस सेंस में इंड्यूस होगा। तो देखिए, जैसे अब ये कॉइल इस के अंदर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगी, तो इसका वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, वो इंक्रीज होगा। भाई फ्लक्स जब आप फाइंड करते हैं, और फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आप यूज़ करते हैं बी डॉट ए या बी ए कोस थीटा, तो ये ए एरिया कौन सा होता है, क्या ये कंप्लीट एरिया होता है, नहीं, ये वो एरिया होता है जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेप्ट करता है। तो अब जैसे जैसे कॉइल अंदर जाएगी, तो वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा वो इंक्रीज होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, जैसे जैसे अंदर जाएगी तो इस कॉइल का वो एरिया इंक्रीज होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा। तो उससे क्या हुआ, उस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ यहाँ से कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल के अंदर जाने की वजह से इंक्रीज होगा। वैसे भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी कॉइल को, अभी कम कर रही है, इतने ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है।
अब फिर अंदर जाएगी तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसको क्रॉस करेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ। लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग इसमें करंट ऐसी सेंस में बनना चाहिए, ऐसी सेंस में इंड्यूज होना चाहिए कि फ्लक्स के चेंज का अपोज करे। तो फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट ऐसी सेंस में आएगा, करंट की जो सेंस होगी या डायरेक्शन होगी वो क्या होगी कि फ्लक्स को इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज़ किया जाए। अब डिक्रीज़ करने के लिए डिक्रीज़ कैसे किया जा सकता है? अब डिक्रीज़ करने के लिए देखिए एरिया तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, ठीक है, तो उस पर तो कंट्रोल है नहीं। हाँ, ये किया जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ कर दें तो फ्लक्स डिक्रीज़ हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ कैसे होगा? पहले से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? अंदर की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। तो अगर इस क्वाइल में करंट ऐसी सेंस में आए कि वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड इससे अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला नीचे की डायरेक्शन में है और करंट इस क्वाइल के अंदर जो इंड्यूस हुआ वो ऐसी सेंस में आए कि खुद का मैग्नेटिक फील्ड कितना भी 0.5 टेस्ला 0.2 टेस्ला अपवर्ड डायरेक्शन में बना सके, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इस क्वाइल के अंदर, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज़ होगा तो फ्लक्स डिक्रीज़ होगा। तो करंट ऐसी सेंस में आना चाहिए कि पहले से अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है तो करंट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में आए, और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए आप देख सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए इसमें करंट किस सेंस में बनना चाहिए? करंट इसमें बच्चों इस सेंस में आना चाहिए। ये कौन सी सेंस है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो आई होप आपको समझ में आया है ये, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं आपकी, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे, आप इसको प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।